नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे द्वारा बिल्कुल फ्री में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती 2021 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों, इसमें आपको धनबाद डिवीजन है, आपको दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन है, आपको समस्तीपुर डिवीजन है, सोनपुर डिवीजन है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप सबके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपको हिंदी में एक एक बारीकी से बताने वाला हूँ कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है, सभी डिटेल में आपके साथ जानकारी रखने वाला हूं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं इसमें क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रखा गया है। दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी आपको 10वीं में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में आपका जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उस ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात की जाए तो आपके पास 15 वर्ष से 24 वर्ष एज होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगने वाला है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें पे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अप्लाई डेट की बात की जाए तो आप 6 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आप जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं मैट्रिक और ITI के, उसी के आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाता है। दोस्तों, किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।